This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. DCP Southern Gujarat of Bhopal IPS briefed the media on Farrukh Don and Jabbar case. Arrested total 8 accused in separate case. Watch the full media brief report by Sheikh Ahmed and cameraman Shaukat. साउथ जोन लिमिट्स में दो मर्डर हुए, एक परवेज इलियास फर्रुख चौड़ी शूटर ऑफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन राजकोंडा और दूसरा मोहम्मद जाबेर रोडी शूटर ऑफ मैलार देवपल्ली सैबराबाद। तो ये दोनों रोडी शूटर्स है और इनके शूटों पर बहुत सारे केसेस है, इसलिए थोड़ा सेंसेशनल भी हुआ। तो दोनों केसेस में अच्छे डेवलपमेंट्स आए। पहले ये परवेज एलियास फर्रुख डॉन, इसमें 6 लोग का इसमें इन्वॉल्व है, इसमें अरेस्ट किए गए। इसमें मेन जो है शेख सुलेमान और शेख फिरोज। ये फर्रुख पहले एक चाचा नाम के चादरघाट में रहने वाले को मर्डर किया, उसका फॉलोअर है ये शेख फिरोज अलियास पिटन फिरोज। उसमें ये ग्रज था कि उसको कभी ना कभी इसको मार दें। और शेख सुलेमान जो है ये और ये डिसीज्ड फर्रुख दोनों मिलके दोनों एक जैसा दोस्ता बन गए और इब्राहिमपट्टनम में एक दरगाह में थोड़ा कुछ उर्स चल रहा था, कलेब शाह दरगाह एरिया में, जहाँ 3 दिन से वो साथ चल के वहाँ पे सट्टा खेल रहे थे और ये 50,000 तक में जीता सुलेमान। तो जावेद रोडी चिड़ का मर्डर पर लिखा तो उसे कैनावाड़ गाइस भी इसमें कौन से नंबर का रहता सर? A5। दिन ब दिन आए दिन देखा जा रहा है सर सुर्खियों में कि मर्डर भी होते जा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई भी अपनी करती जा रही है, मगर साउथ जोन में ज्यादातर देखने में आ रहा है कि आजकल सुर्खियों में यहाँ पर ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं। ये दोनों भी रिसेंटली नाउ इन काला पत्थर A3 केस बुक। अभी ये दो केस है, इसमें इम्पोर्टेंट एक लेसन है, ये दोनों पहले ये फर्रुख डॉन रैन बाजार में रहने वाला था, लेकिन वो पूरा रेजिडेंस शिफ्ट कर दिया, पूरे कापरा एरिया में चले गए, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन एरिया में। और ये जाबेर पहले से पूरा शाहनवाज गाजी के पूरे ऑलमोस्ट ऑल द एक्यूज्ड मैलार देवपल्ली लिमिट्स में रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं पूरे एरिया एक जैसा मिलके रहता। तो अभी इससे हमको पूरी सबक मिली कि कोऑर्डिनेशन विद अदर कमिश्नरेट्स, उसके साथ जॉइंट ऑपरेशंस करना, जॉइंट से इंफॉर्मेशन शेयरिंग अच्छी तरह से करना और अलर्ट रहना। जब एक इंसिडेंट यहाँ हुआ तो वहाँ और वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पूरा कोऑर्डिनेट करके हम चलेंगे, और वहाँ भी और यहाँ भी कोऑर्डिनेटेड कोई भी एक्टिविटीज है कोऑर्डिनेटेड करेंगे। और यहाँ भी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अभी जानते हैं बहुत एक्टिविटीज़ की, उसको भी आगे बहुत ज़्यादा करेंगे। सर अभी तक ये देखा गया कि जितने भी रोडी शूटर्स थे पहले यानी 90s थे वो 35+ के थे, अभी जो रोडी शूटर्स आ रहे हैं नए वो पूरे 20+ के, वो 35 की एज तक आए तक उनका मर्डर हो जा रहा है। तो आप लोग रोडी शीट खोलने से पहले कॉस्टिंग क्यों नहीं करते? जी रोडी शीट जब खुलता है इसके ऊपर बहुत ग्रीवियस कुछ केस हो या उसके ऊपर बहुत सारे केस हो, क्योंकि आप लोग उसको 20 25 तो आगे जाएगा क्या, करेगा क्या, समाज में यही गंदगी फैलाएगा? जो रोडी शीटर सभी है उसका बिहेवियर अच्छा है, जो बहुत साल से अच्छे बिहेवियर है, कोई केस नहीं है उनके ऊपर। तो पूरे रोडी शीटर्स जो है उस पर रोडी शीट्स क्लोज कर रहे हैं अभी।
अभी तक तो पहले 30 रॉडी शीट्स क्लोज हो गए और एक 30 रॉडी शीट्स भी क्लोज कर दिए, जो इसका बिहेवियर साथ चल के वहाँ पे सट्टा कर रहे थे और ये 50,000 तक उसमें जीता सुलेमान, जो फर्रू उसको उसे चीन के उसे ले गया और इसके दोस्तों भी जो भी जो कुछ भी जीता ये उसको घबरा के उसे पैसे ले गए। इसमें ये है, इसमें मोटिव ये है और ये दोनों सुलेमान और पीटर फिरोज दोनों पुराने दोस्त हैं, दोनों को ग्रज था एक उसका चाचा आदमी को मारने का और ये उसको ये पैसा उसको ज़बरदस्ती ले जा रहा है। इसका दोनों मिला के प्लान बनाए कि फर्रू को मार दिया जाए और इसी के मुताबिक उस दिन जब मर्डर हुआ 9th मार्च को उसका उसको एक मैसेज भेजा फर्रू को कि फिर एक बार गालिब शाह दरगाह के पास जाके फिर से सट्टा खेले, इसके लिए एक शेख ईसा और कोई और दूसरे दोस्त गए वहाँ पे, ये फर्रू गांधीनगर एरिया में एक लॉज में था, वहाँ से लाने के लिए ये गए और शेख सुलेमान फिर से उनको फ़ोन किया फर्रू को कि हम मिलके वहाँ जाएंगे गालिब शाह दरगाह में, मुझे भी लेके जाओ बोल के उसे बोला और इसके भाई जो है ईसा उसके साथ था और पूरे लोग वहाँ से एक कार में छोटापुर रेन बाजार एरिया में आए, वहाँ आके वो कार से उतरे और वहाँ पे सुलेमान और पिटल फिरोज दोनों थे, उसके पास दो चाकू थे, उससे उसने फर्रू को रात अराउंड 9:30-10 o'clock के बीच में उनको अटैक करके मार दिए गए और उसके दोस्त हैं ईसा और जमीर इसके इसके मदद से वहाँ से पूरे लोग निकल गए। और ये पहले भी ये जो प्लान था वो A6 सादिक को भी मालूम था ये पूरा प्लान और उसको प्रॉमिस भी किया कि उसको लीगल हेल्प और जो पैसों की ज़रूरत है वो देने की प्रॉमिस किया और उसी टाइम पे वो पास में ही था। A1 to A6 जो है ये काला पत्थर एरिया के हैं, पूरा शाहनूर गाजी के दोस्त हैं पूरा, इसमें इस्माइल के ऊपर एक पुराना प्रॉपर्टी ऑफेंस था मगर कोई बॉडीली ऑफेंस नहीं था और प्राउडी शीट भी उनके ऊपर नहीं था और ये सारे लोग वहाँ के रहने वाले हैं। A4 शाहनवाज गाजी ये शाहनूर गाजी का बड़ा भाई था, इसका उसको तब से ग्रज था कि जाबेर जो है ये शाहनूर गाजी के मारने में वो भी है, उसको मारने के लिए पहले से भी प्लान बनाया और ये सारे लड़कों को उस एरिया में जो रहते हैं पूरे 16 से 20 इयर्स के बीच में लड़के हैं पूरे को इकट्ठे किए और उसको पैसा और चाकू भी दिलाए कि मोहम्मद जुबैर जो है A6 उसको इससे इसके द्वारा और ये इसके जरिए पूरे चाकू लाए और उस दिन जब एक अपने दोस्त के साथ जाबेर एक किराना शॉप में थोड़ा बड्डी में वहाँ गया सिटी प्लाजा फंक्शन हॉल के सामने तो ये पूरे लोग यहाँ आके उस पर अटैक किए, पूरे उस टाइम पे 6 लोग आए, उसमें 2 बॉय जुवेनाइल्स है उसके नाम यहाँ पे नहीं दिया गया और उस पर अटैक करके वहीं मार दिया गया। ये जो पूरे 6 एक्यूज हैं और 2 बॉय जुवेनाइल्स 8 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें फलकनामा पुलिस और कालापत्थर पुलिस स्टेशन बहुत जल्दी से जल्दी सब लोगों को अरेस्ट करके और उसको और ये
दूसरे केस में भी फर्रू डॉन अरेस्ट करने में टास्क फोर्स साउथ जोन टास्क फोर्स चक्रवर्ती एडिशनल डीसी और उसके टीम और रेन बाजार पुलिस स्टेशन के टीम इसमें इम्पोर्टेंट रोल है उनका। सर ये जो जावेद रोडी चिड़ का मेरे पर लिखा तो इसे टैनावड़ गांज भी इसमें क्वेश्चन नंबर क्या रखा सर दिन ब दिन आए दिन देखा जा रहा है सर सुर्खियों में कि मर्डर भी होते जा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई भी अपनी करती जा रही है, मगर साउथ जोन में ज्यादातर देखने में आ रहा है कि आजकल सुर्खियों में यहां पर ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं। ये दोनों भी रिसेंटली नाउ इन काला पत्थर A3 केस बुक अभी ये दो केस है इसमें इम्पोर्टेंट एक लेसन है ये दोनों एक्चुअली सेम क्वेश्चन सर कि आजकल की जो जनरेशन है 18+20-22 ज़्यादातर गांजा नशे में और तकरीबन ये मेडिकल्स पे भी जो लोग गांजा और वाइटनेस के ऊपर बहुत केस किए और भी आगे जाके उस पर बहुत नज़र रखेंगे और उस पर एनफोर्समेंट बढ़ाई जाएगी। सर एक चीज़ में जो भी वाइटनर है क्योंकि मारने से भी उसको कुछ इफेक्ट नहीं होता। वो क्या होता है ना जब तक उसका नशा कम नहीं होता दीज आर द प्रूफ फैक्ट सो मैं ये बोलना चाहता हूँ ये चीजों को क्यों रोक नहीं सकते जो मेडिसिन भी आ रहे हैं जो भी को कुछ भी ऐसे प्रोवोकेटिव वीडियोस कुछ भेजे अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आए हमारी नजर में आए तो उन पर पहले एक्टिविटीज होंगे एक्शन जरूर लिया जाए। सर जो यंगस्टर जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे उनके लिए कुछ अच्छा मैसेज पुलिस की तरफ से वार्निंग भी हो और उनके लिए अच्छी चीज़ देखें आजकल हैदराबाद शहर में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है यहाँ पे बहुत नए नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं यहाँ पर नए एक्टिविटीज बहुत चल रहा है जो कुछ भी है अगर आपको अच्छी रास्ता में जाए तो आपको अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं और हम भी जॉब मेला भी कर रहे हैं पुलिस के तरफ से और काउंसलिंग भी कर रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो सबको रिक्वेस्ट है सब स्पेशली फैमिली मेम्बर्स को कि उसको फैमिली को अच्छी तरह से उसको डायरेक्शन दे अच्छी ज़िंदगी गुजारे और जो जो नोटोरियस रॉडी शीटर्स है उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी तो उसके पीडीएक्ट भी हम बहुत लगाए लास्ट वन ईयर से और वो जेल से बाहर आना तो भी मुश्किल हो जाएगी और जो केसेस है उनको भी इन्वेस्टिगेशन ठीक से करके उनको कंडीशन लाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं।